और यहाँ पर इसकी कर रहे हैं पन्नी उतार प्रक्रिया। अब ये रिवर्स पे लगी गाड़ी और ये रिवर्स बहुत रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है, मतलब फिटिंग अब देखो बिल्कुल एच टू एच है, कोई वायरिंग इसमें मेरे साथ सामने तो कट हुई नहीं। Hello everybody, welcome back to another vlog and this is Sahil Sharma. You're watching me on the channel, the official personality. और भाई साहब अभी अनुज फिलहाल कैमरा हैंडल कर रहा है, अगर अनुज को नहीं जानते तो लाओ उसकी शक्ल दिखा दो आपको। ये है अनुज, यो बॉय हमारा, ठीक है। सो बेसिकली बहुत लोगों को बताऊंगा मेरी गाड़ी का स्टीरियो खराब है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इसको कल चेक करवाया था, अनुज है, वायरिंग वगैरह चेक करवाई थी मैंने इसकी, फिर उसके बाद इसके फ्यूज़ चेक करवाए थे गाड़ी के, सब चीज़ें ओके थी, स्टीरियो में ही प्रॉब्लम है, स्टीरियो ही खराब है। सो टुडे वी आर गोना इंस्टॉल अ 10 इंचेस एंड्रॉइड सिस्टम इन आर कार, तो जो कि है मेरी गाड़ी होंडा सिटी आई वी टेक। सो इसमें अपन लोग ये स्टॉक वाला जो स्टीरियो है इसको रिप्लेस करके हम लोग इसकी जगह पे एंड्रॉइड वर्जन लगाने वाले हैं। सो अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू द शॉप और वहाँ पे मैंने बात कर ली है उनसे, और बात करने के बाद अभी हम लोग फिलहाल वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ऑन द वे हूँ जाने के लिए, एंड ये भाई साहब एक फॉर्चूनर ने अटका ली गाड़ी सामने और जगह है नहीं बिल्कुल, अभी देखो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो बेसिकली काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, मतलब जो एंड्रॉइड, मतलब मैंने जब अभी मार्केट रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एंड्रॉइड में भी, एंड्रॉइड टैबलेट्स में भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग जो लेने वाले हैं दैट इज़ कनेक्ट का बेसिकली एंड्रॉइड टैबलेट सिस्टम, और उसमें बेसिकली सारे फंक्शन होते हैं, मतलब नेविगेशन से लेके सारी एप्लीकेशन से लेके, मतलब इट्स लाइक अ कंप्लीट एंड्रॉइड टैबलेट, तो उसकी तरह वो काम करता है। और एंड्रॉइड टैबलेट होने का एक खासियत एक ये भी है कि भाई उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ के लिए एक सेपरेट माइक मिलेगा मुझे यहाँ पे, जो कि आपका ड्राइवर साइड पे लगता है, तो जस्ट इंश्योर के अगर आप कॉलिंग यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आप इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका फ़ोन पे ज़्यादा काम रहता है, मतलब मेरा ज़्यादातर टाइम ओवर द कार मैं कॉल्स पे रहता हूँ, तो मुझे एक ब्लूटूथ के साथ कॉलिंग वाली कनेक्टिविटी जो है वो मतलब मैंडेटरी सी लगती है, ठीक है। तो आज वैसे बारिश पड़ी है, गाड़ी मेरी फ्री में धुल गई है, ठीक है, और मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है, बट लोग कह रहे थे यहाँ पे बारिश पड़ी है, बट मेरे उधर ना मेरे घर के साइड में बारिश नहीं हुई है। और क्या कहते हैं अनुज के, मतलब जो लोग पाप करते हैं वो उन लोगों के घर के साइड में बारिश नहीं पड़ती है अनुज, बट पाप भी करने चाहिए, पाप करने चाहिए यार, थोड़े थोड़े पाप तो करने ही चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ यार अभी जा रहा हूँ, अभी देखो क्या थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी ऑफिस से थोड़ा सा फ्री हुआ था तो मैंने बोला चल जल्दी जाके लगवा के आ जाते हैं, बिकॉज इट वुड टेक हार्डली 30-40 मिनट्स एज सेड बाय हिम, ये 30-40 मिनट में पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, पैसा भी बहुत अच्छा खासा जा रहा है जेब से, हालांकि मेरे इस टाइम पे बजट नहीं है मुझे पता है, क्योंकि अभी अभी गाड़ी ली है, उसके बाद लिटरली अभी जब ये क्लोजर आता है ना महीने का, इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है जेब से, और वही हाल मेरा इस टाइम पर हो रहा है कि बिल्कुल अभी, और यह कि एक नेसेसिटी है तो थोड़े खर्चे बाकी रोक के इसको पहले करवा रहा हूँ। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे सर, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। हाँ आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, मत समझो यार भावना को, मत समझा करो मेरी, मुझे समझो मेरी भावना को, मत समझो यार मेरी भावना को, समझ आया भावना, भावना भी वॉचिंग दिस भावना, तुम्हें समझे ना ये, प्लीज़ इसको मना कर देना, क्योंकि तुम्हें ना सकती, ठीक है। सो कुछ कुछ काम मैंने वैसे और सोचे इस गाड़ी के लिए, बट वो थोड़ा सा टाइम बाद करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी फिलहाल आई एम थिंकिंग के नॉर्मल रन पे। और जिनको नहीं पता, मैं बेसिकली अभी गया था, जैसे जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया होगा कि मैं अमृतसर गया था बेसिकली, तो मेरे मतलब मेरी कज़न नानी थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके लिए मैं अमृतसर गया हुआ था। तो अमृतसर जाने के टाइम पे ये हुआ कि मैंने इस गाड़ी को, मतलब आई टुक इट ऑन CNG एंड लिटरली जिस गाड़ी ने एवरेज दिया भाई साहब, दैट वाज सो आप एक्सपेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक ऑटोमेटिक गाड़ी होंडा सिटी एक फुल सिलेंडर पे कितना एवरेज दे सकती है, ठीक है, जिसका भी नियर अबाउट होगा उसको मैं सीरियसली आई जस्ट टॉक टू दैट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सुबह सुबह यहाँ पे देखो इसकी वायरिंग खुल रही है और ये वाला जो स्टॉक है ये पूरा निकलेगा, ठीक है, पूरा ये जो फ्रेम होता है ये भी बदला जाता है, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो ग्रे फ्रेम आप देख रहे हो वाला कंपनी का पूरा बदला जाता है, उसके अंदर जो स्क्रीन है वो पूरी फिट होती है, तो मुझे पता चलेगा। इसे कोई वायरिंग वगैरह तो कट नहीं होती ना? नहीं, वायरिंग बिल्कुल भी कट नहीं होती, तो पता नहीं खुल रहा है। इसमें क्या क्या, मतलब फीचर्स क्या क्या आते हैं वैसे इसमें? एंड्रॉइड सिस्टम है इसमें, ब्लूटूथ ऑक्स एंड्रॉइड, वो फोन से वाईफाई देके अपना और यूट्यूब चला लो, ओके, बहुत सारी चीज़ें होती है पूरा। और जो वो एक्सटर्नल माइक दे रखा है वो किस लिए? वो सर वही माइक इसलिए कि वहाँ पर माइक लग जाता है अपना कॉलिंग में बात करने के लिए। अच्छा, तो इजी रहता है वो, मतलब आवाज़ एकदम साफ साफ आती है, ओके। तो ये मतलब ड्राइवर साइड पे लगता है, तो यहाँ पे इस जगह कहीं पे लगेगा ये। और जो मतलब ये स्टेयरिंग वाले जो बटन है इनसे इसका कनेक्शन होता है? ये देखो यहाँ पे वायरिंग खुल रही है इसकी, हाँ, तो इसमें कोई भी मतलब वायर कटती नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें मतलब
बेसिकली वारंटी के इशूज आ सकते हैं आपको, कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं होती है यहाँ पे, सीधा सब काम कपड़े टू कपड़े ही होता है। बाकी फिटिंग तो यार लास्ट में पता चलेगी जब ये लग जाएगा, तो इतना है कि ये जो फ्रेम है ये पूरा चेंज ही होता है, स्पेशली फॉर होंडा सिटी, जिनके पास होंडा सिटी है उनके लिए बात करूँ। बाकी हर गाड़ी में भी लगभग लगभग जिसमें स्क्रीन चलती है उनमें फ्रेम चेंज ही होता है, राइट? फ्रेम चेंज होता है, डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी। तो भाई यहाँ पे देखो अपना स्टॉक स्टीरियो जो वो उतर चुका है, ठीक है, अब इसको खोला जा रहा है प्रॉपर एसी वेंट का, तो यहाँ पे जो है ये एसी वेंट है, इनको खोला जाएगा, ठीक है। ये है कि इंडिकेटर वाली वायर होगी, तो वो प्रॉपर स्टीरियो में वैसे ही फिट हो जाती है। बाकी आप लोग को वैसे ये सारी चीज़ें संभाल के रख लेनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी अगर आपको लगता है कि आपको अपना स्टॉक स्टीरियो वापस लगाना है या फिर इसी के साथ लगाना है या गाड़ी चेंज करनी है, तो काफ़ी लोग होते हैं जब सेल करते हैं तो अपना स्टीरियो निकाल लेते हैं, या फिर जो कस्टमर होता है जिसको वापस आप मतलब जो भी जिसको आप बेच रहे होते हो अपनी गाड़ी, वो बोलता है कि भैया मेरे को स्टॉक स्टीरियो दे दो, तो उसके लिए आपको ऐसे संभाल के रखना चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए। कि मैंने बहुत लोग देखे हैं क्या करते हैं, इसको रख के ना कहीं ऐसे ऐसे फेंक देंगे। तो ये एसी वेंट्स हैं हमारे, ये खुल गए, ये मतलब एक तरीके से पूरा फ्रेम ही अलग हो गया है। वहाँ पड़ा है दूसरा नया फ्रेम, वो देखो पीछे, तो ये फ्रेम अभी इसमें लगने वाला है यहाँ पर। तो गाइस ये रहा नया स्टीरियो, और अब बेसिकली इसी के अंदर स्टीरियो मतलब फ्रेम के अंदर स्टीरियो जो है वो फिट कर दिया भैया ने पहले, और अभी इसमें ये लोग एसी वेंट लगा रहे हैं ना। इसकी फिटिंग बिल्कुल वैसी आती है जैसी उसकी आती है? हाँ जी, प्रॉपर फिट हो जाता है वैसे ये। बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया फिटिंग यहाँ से किसी की, कुछ लोगों ने अभी वैसे देखी थी मैंने वीडियोज़ जहाँ पे ये चीज़ लूज़ रह जाती है या फिर नीचे से फिर कट 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 की आवाज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं सर। देख रहे हो आप इसमें सारी चीज़ें मतलब वैसी ही हैं स्टॉक, बट ये कि थोड़ा बस बटन्स वगैरह आपके थोड़े इधर उधर बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो एसी के पहले स्टॉक वाले आते थे वो यहाँ पे एक एसी का बटन आता था और नॉब तो यहीं आती थी, तो नॉब तो आपकी यहीं पर ही है। अब जहाँ तक मेरे को इस फ्रेम में लग रहा है उसका एसी का बटन यहाँ पर है, राइट, इधर इस साइड में एसी का बटन, तो वो बटन बस बदल जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें वैसे ही वर्कआउट होंगी इसमें। सो गाइस फाइनली एक डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद अभी देखो 4 बजने के लिए आ गए हैं, 4 भी नहीं 3:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे यही सिस्टम फिट हो चुका है और अनुज आ चुका है। अनुज फिलहाल लगा पड़ा अपने गेम प्ले में और यहाँ पर इसकी कर रहे हैं पन्नी उतार प्रक्रिया पन्नी उतार प्रक्रिया कर दी है दोस्तों हमने। देखो बड़ा अच्छी सी फीलिंग होती है जब किसी चीज़ पन्नी उतारो, नया फील। तो बेसिकली उन्होंने रिकमेंड किया कि इस पर आप एक चढ़ा लीजिए टैबलेट वाला टेम्पर्ड चलाऊंगा मैं तो, नवीन की भाषा में टेम्पर्ड, ठीक है, टेम्पर्ड चलाऊंगा मैं। हमारा एक दोस्त है भाई नवीन, वो ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं वैसे, अभी फ़िलहाल हम लोग रिवर्स कैमरा पे काफ़ी चर्चा कर रहे थे, रिवर्स कैमरा चल नहीं रहा था ढंग से। यहाँ पे देखो अब ये रिवर्स पे लगी गाड़ी और ये रिवर्स कैमरा अब ठीक दिख रहा है मुझे, ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था, सर में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चल रहा है, बट अब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली फिटिंग हो चुकी है, गाड़ी के दरवाजा बंद करने पी 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 आवाज़ बहुत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली फिटिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है, और अभी मैं फिलहाल ब्लूटूथ से आपको कुछ चला के दिखाता हूँ। बेसिकली ऑडियो आउटपुट मेन होता है लोगों का सुनना कि भैया ऑडियो आउटपुट कैसा है गाड़ी का, ठीक है। ब्लूटूथ से फिलहाल मेरा डिवाइस है कनेक्टेड और अभी मैं आपको गाना चला के दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें अभी NCS लगाएंगे, NCS इस वजह से क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो चलो भाई एक NCS का साउंड चला के देखता हूँ, ठीक है, ये चल रहा है। तो वॉल्यूम मैं फुल कर देता हूँ, बेस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है ये, मतलब काफ़ी सूदिंग सा बेस है, मतलब ऐसा भी नहीं ज़्यादा धड़ 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 कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फट रहा है बेस, ठीक
ठीक है। तो अभी तक तो वैसे इसका टच स्क्रीन वगैरह अगर आप देखोगे बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब यहाँ पे अगर मैं मतलब मेरी तो उंगलियाँ ऐसी हो रही है, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है, मतलब मैं तो मिनिमलिस्टिक स्लाइड ही चल रही है, ठीक है। कुछ कुछ फीचर्स मैंने अभी इसमें चेक नहीं किए हैं जो कि अभी मैं करूँगा बाय द टाइम। और इसमें बेसिकली हमारा रिवर्स कैमरा तो है ही, ठीक है, रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। उसी के साथ इसमें GPS भी इनेबल्ड है जिससे आप गूगल मैप्स एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आई गेस मैप्स मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके सर, कॉलिंग के टाइम पर चेक कर लेते हैं इसको, एक कॉल भी आ रही है तो कॉल भी चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं ये पूछ रहा था ये आपको जो पेमेंट है वो कैसे करनी है? आप UPI कर दीजिए। मैं आपको फोन पे कर देता हूँ। फोन पे? हाँ सर, मैं फोन पे नंबर आपको भेज देता हूँ। आप नंबर भेज आपके व्हाट्सएप पे? हाँ जी, आप उस पे कर दीजिए। ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखिए कॉल भी चेक हो चुकी है। ये भैया हैं जिनसे मतलब जिनकी शॉप पे हमने स्टीरियो लगाया वो अवेलेबल नहीं है। और एक माइक की फिटमेंट हुई है यहाँ पे ताकि आप कॉल्स वगैरह इजीली मतलब अटेंड कर सको, और इससे काफ़ी आपकी वॉइस की क्लैरिटी बनी रहती है। ये सब ड्राइवर साइड पे लगता है और कहीं पे नहीं लगता, इसकी प्रॉपर वायरिंग ऐसे होती है। पहले यहाँ पे एक बैक कैमरा के लिए मैंने मीडिया पैनल लगा रखा था वो उतार दिया भैया ने, ठीक है। नाम बताना भाई अपना? आशु। आशु, तो ये आशु भाई ने फिट करा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जद्दोजहद हुई है नहीं इसको लगाने में। पहले इसको यहाँ से साइड से पूरा घिसा गया क्योंकि फिट बैठ नहीं रहा था उसमें, पर अब बैठ गया है काफ़ी। मतलब फिटिंग तो प्रॉपर है, कोई फिटिंग में ऐसी मुझे दिक्कत लग नहीं रही है। फिटिंग आप देखो बिल्कुल एच टू एच है, कोई वायरिंग इसमें मेरे साथ सामने तो कट हुई नहीं है, ठीक है, कोई वायरिंग कट नहीं हो रही है, तो मतलब आपकी वारंटी भी कहीं नहीं जाने वाली है। तो चलो थोड़ा बहुत टेस्ट करते हुए चलेंगे मैं और अनु, जब भी फिलहाल यहाँ से चल पड़ते हैं और इनको भी जाने देते हैं, बहुत परेशान कर दिया इनको हमने, ठीक है। अनुज एक काम कर भाई, मैं डिक्की खोल रहा हूँ तो स्टीरियो पीछे रख दे सारे, जितना है ना डिक्की में डाल दे, ठीक है। तो भाई चलो चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई, ऑफिस वाले भी कॉल कर रहे हैं। सो गाइस, अभी जैसे कि मेरी बहुत अच्छी आदत है ये कि मैं आउटरो हमेशा ब्लॉग का लेना भूल जाता हूँ, तो इस वाले ब्लॉग का जो अभी जिसमें ये डलने वाला है, ठीक है, यहाँ देखो मेरे को बोलने नहीं देंगे। जॉनी शान, अच्छा, तो व्लॉग का आउटरो मैं हमेशा लेना भूल जाता हूँ, और वो मैं वैसे कि कल भी भूल गया था, ठीक है। मैंने एडिट कर रहा था वहाँ पे एक व्लॉग मेरा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे व्लॉग। भाई सुन तो लो यार, भाई भाई सुन तो लो भाई, ठीक है। अच्छा व्लॉग का आउटरो भाई चेतन भाई देंगे, हमारे व्लॉग बंद करवा दो यार, पूरा व्लॉग बंद कर दो, व्लॉग का नहीं खत्म, व्लॉग बंद करो भैया, कहानी खत्म, ठीक है। तो व्लॉग बंद करो भैया, कहानी खत्म, ठीक है, चलो फिर।